वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी पाइनएप्पल केक, सिंपल तरीके से, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, वो भी बिना एग, बिना ओवन, घर की नॉर्मल कढ़ाई में, और बहुत ही आसान और नॉर्मल रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने एक कप चीनी पाउडर डाला है, आधा कप रिफाइंड ऑयल डाला है और आधा ही कप मैं दही लूंगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी 2-3 मिनट तक। अब मैं एक छन्नी लूंगी, इसमें मैं 1.5 कप डालूंगी मैदा। आधे चम्मच डालूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच छोटे चम्मच से। 1 चुटकी डालूंगी मैं नमक और इसे मैं छान लूंगी। छानने से ये बहुत ही फ्लफी हो जाता है और सारा मिक्सचर अच्छे से मिल जाता है। इसमें मैं आधा चम्मच डालूंगी वेनिला एसेंस, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे कट एंड फोल्ड तरीके से करूंगी, इसे मिक्स करूंगी। मैंने आधा कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे मिक्स करूंगी। इसमें हमारी ऐसे रिबन की तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये एकदम सही है। मैंने एक स्क्वायर शेप में मोल्ड लिया है और इसमें मैंने पहले ही ऑयल ग्रीस करके और बटर पेपर लगा दिया है। यदि बटर पेपर आपके पास हो तो ठीक है, यदि नहीं हो तो ऑल पर्पज फ्लोर मैदा को इसके अंदर छिड़क के चारों साइड में लगा दीजिए। और ये हमें बैटर जो है इसका मिक्सचर रेडी करने से पहले ही मोल्ड को ग्रीस करके रख लेना होगा, क्योंकि मिक्सर मिक्स होने के बाद में समय नहीं रहता है। मैंने एक कढ़ाई में नमक डाल के पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे, उसे मैंने एक्सटेंड रख दिया है और अब मैं इसमें मोल्ड को रख दूंगी और 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे। 30 मिनट बाद हम इसे एक बार इसे चेक कर लेंगे कि हमारा जो है केक है वो कुक हुआ है कि नहीं। गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे, हम चाकू डालेंगे इसके अंदर और ये हमारा चाकू नीट एंड क्लीन निकल गया है, इसका मतलब हमारा केक कुक हो गया है। अब कुछ देर के लिए हम इसी में छोड़ देंगे और उसके बाद में इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे हम इसे। मैंने अभी से क्रीम ली है और इसे हम यूज करेंगे 2 कप। ये मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाता है बहुत इजीली, नॉन डेयरी क्रीम है ये। केक हमारा ठंडा हो गया है और अब हम इसे केक टिन से निकालेंगे। और अब बटर पेपर को निकालेंगे हम इसमें से। केक हमारा बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बना हुआ है, बहुत ही यम्मी है ये। अब हम इसे टर्न करेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसके 2 पीस बना लेंगे, इसको धीरे धीरे हम कट करेंगे। एक प्लेट में रख देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे शुगर सिरप। मैंने 2 चम्मच चीनी को 2 चम्मच पानी में डाल के और शुगर सिरप बनाया है। अब हम इस पे पाइनएप्पल क्रस्ट डालेंगे
इसे चारों साइड अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, फ्रेश पाइनएप्पल ले सकते हैं। मैं फ्रेश पाइनएप्पल का केक की रेसिपी बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ा जल्दी में थी तो इसी वजह से मैंने पाइनएप्पल क्रश ले लिया। ये मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाता है। इस पे मैं व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, इसे हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसे भी अब हम इस पे दूसरी लेयर रखेंगे और इसको एक लेवल में करने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर से इसकी कटिंग कर दूंगी। इसको भी हम सुगर सिरप डाल के ग्रीस करेंगे चारों साइड में। इस पे भी क्रीम लगाएंगे। मैंने पाइनएप्पल क्रश को पेस्ट बना दिया मिक्सी में पीस के और अब इसे हम डालेंगे ऊपर से। इसे हम चारों साइड में स्प्रेड कर देंगे, ये ऊपर नीचे अपने से ही लाइनिंग बन जाएगी तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और हम कौन से डिजाइन बनाएंगे इसमें, इसी प्रकार मैं चारों साइड में इसके डिजाइन बना दूंगी। इसके चारों साइड में मैं ऐसे डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन बना दूंगी मैं। और ये ऑरेंज कलर का है, इसे मैं ऐसे ऐसे बीच में डिजाइन दूंगी। और आधे में मैं ग्रीन कलर से दूंगी डिजाइन। फ्रेंड्स, मेरा तो जन्माष्टमी स्पेशल पाइनएप्पल केक बन के रेडी है और आप भी इसे जरूर ट्राई करें। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंद की और भी कोई केक की रेसिपी शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।